वेल डियर स्टूडेंट, अब हम सिस्टमेटिकली इसको स्टडी करते हैं. फर्स्टली फॉरियर सीरीज डेफिनेटली किसी फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे. फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, फंक्शन के इक्वल नहीं होगा. वो कैसे इक्वलिटी आएगी वो हम बाद में देखेंगे, तो पहले इसको डिफाइन करते हैं. और फॉरियर सीरीज हमने बताया था कि क्योंकि बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन होती है ऑफ ए फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पेरियोडिक होते हैं, तो ये भी फंक्शन क्या होगा, पेरियोडिक होगा, जिसकी हम फॉरियर सीरीज डिफाइन करेंगे. तो देखें जी, लेट करते हैं जी. अब लेट के एफ ऑफ एक्स क्या है जी, एक पेरियोडिक फंक्शन है ऑफ पीरियड टू. हाँ जी, पेरियोडिक फंक्शन है ऑफ पीरियड क्या है जी, आप कहते हैं 2L, ठीक है जी. एंड डिफाइंड ऑन किस पे जी, क्योंकि 2L पीरियड है, डिफाइंड ऑन -L to L. ओके जी, तो देन इट्स फोरियर सीरीज इज डिफाइंड एज. हाँ जी, इसको हम लिखते हैं जी a2 over 2 plus, ये आपके पास है जी फोरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो कि डिफाइन है इस पीरियड के ऊपर. इस पीरियड पे डिफाइन है और उसका पीरियड क्या है जी, 2L. 2L हम क्यों लेते हैं, कोई आर्बिट्रेरी क्यों नहीं लिया, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी ऑफ दिस पीरियड, ये पीरियड यूनिफॉर्म है -L to L, मीन्स के जीरो बिटवीन और लेफ्ट पे -L और राइट पे L, और इक्वली वो मकसद है लेंथ पे है, तो इसलिए हम इसको राइट और लेफ्ट की इक्वल लेंथ पे है, तो दैट्स वाई हम इसको 2L लेते हैं. अदरवाइज कोई, ये सिमेट्रिकल पर्पस के लिए होता है, अदरवाइज ये कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो देखिए जी, ये फंक्शन की क्या है, ये फोरियर सीरीज है वेयर, ठीक है जी, हम डिफाइन करते हैं कि ए एन क्या है जी, ये इसको हम कहते हैं ये फोरियर कोफिशियंट्स है, इनको डिफाइन करते हैं हम कि 1 over L क्या है जी, -L to L इंटेग्रल, और एफ ऑफ एक्स और कॉस ऑफ n π x/L, ठीक है जी, और dx. और सिमिलरली क्या है जी, bn वो क्या है जी, वही 1 over L, ठीक है जी, -L to L और एफ ऑफ एक्स, यही साइन ऑफ n π x/L और dx, ठीक है जी. और n जो सा है वो क्या है जी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है जी. और लेटर ऑन हम इसको प्रूव करेंगे कि हाउ ये कैसे ड्राइव होते हैं, अभी हम इसको नहीं देख रहे, मोटिवेशन पर्पस के लिए हम इसको लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे. और देखिए जी, ये इनको हम दीज आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट्स, ठीक है जी, इनको फोरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं. और फर्दर ये है कि हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, मींस के अगर आपके पास क्या है कि पीरियड आप इसको चेंज करते हैं, तो ये कैन आल्सो बी an ऐसे भी डिफाइन हो सकता है 1 over L, और c2 आप कह सकते हैं जी c+2L, c+2L अगर उसका पीरियड क्या है 2L है, और एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ n π x/L dx, ठीक है जी. और सिमिलरली bn भी ऐसे डिफाइन होगा. वेल जी, ये हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये जस्ट शिफ्टिंग ऑफ दैट फंक्शन है, मींस के एक फंक्शन है कुछ इस तरह डिफाइन है -L to L पर, और इसका इंटरवल क्या है जी, इंटरवल की लेंथ आप देख सकते हैं 2L है. और इसी अगर फंक्शन को आप c यूनिट्स शिफ्ट कर दें, मींस के यही फंक्शन सी यूनिट आगे शिफ्ट हो जाए, तो मींस के यहाँ पर ये सी आ गया और ये फिर c+2L आ जाएगा, ठीक है जी. तो फंक्शन वही ओवरऑल, लेकिन उसके मींस के इंटीग्रल की लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है जी. तो ये हम अपने कन्वीनियंट के लिए इसको चूज करते हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लें कि यहाँ पर ये चीज़, ये भी हम प्रूफ करेंगे कि वाई हेयर a0/2, ठीक है जी, 1/2 क्यों आ रहा है, ये भी एक सिग्निफिकेंस है. पहले इसको ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल देखें जी, हमने स्टडी किया कि ए एन क्या है, ए एन है जी आपके पास से आप 1/L -L to L एफ ऑफ एक्स और कॉस ऑफ n π x/L, ठीक है जी. तो यहाँ पर अगर हाँ जी, ए नोट डिफाइन होता है जी, वो है इसको a0/2 लिख रहे हैं आप. a0/2 इज इक्वल टू क्या जी, 1/2L -L to L और एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स.
ओके जी, ये आप देख सकते हैं कि ए नॉट ओवर टू क्या है, इज नथिंग बट द ये जो चीज है, ये क्या है जी, ये एवरेज जो फंक्शन होता है, इसको डिफाइन क्या करते हैं, देखें फंक्शन क्या था जी, इंटरवल माइनस एल से एल पे डिफाइन था, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, 2L आएगी, तो मींस ये देख लें इंटरवल की लेंथ है और ये ओवरऑल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन है ओवर द गिवन डोमेन जो भी है, तो इसको कहते हैं जी एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, किस इंटरवल में L? अगर ये एवरेज वैल्यू आप देखें तो ज्योमेट्रिकली यू शुड नो कि क्या होती है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन है से, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी अगर आप इसको डिफाइन करते हैं इन दिस इंटरवल ए और यहाँ से इंटरवल बी में, ठीक है जी, ये फंक्शन है आपके पास से, यहाँ पर अगर आप इसको इस इंटरवल ए और ये बी में डिफाइन करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एवरेज होती है उस फंक्शन की, कैसे कि जब उस फंक्शन के इस लाइन के अबव एरिया, मींस के ये इसको ए वन कहते हैं और इस लाइन के बिलो एरिया, ठीक है जी, इसको आप ए टू कह दें, अगर इफ, ठीक है जी, ये एवरेज लाइन जिसको आपने कहा है वाई इज इक्वल टू सी, इफ वाई इज इक्वल टू सी सच डैट के एरिया अबव लाइन डैट ए वन एंड ए टू, मींस के एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व क्या है जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एरिया बाउंडेड बाई द कर्व सच डैट अबव दैट लाइन वाई इज इक्वल टू सी एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व बिलो डैट लाइन, ये इक्वल हो तो देन वी से के वाई इज इक्वल टू सी क्या जी, ये एवरेज ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है जी, ये एवरेज ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है जी, तो इसकी एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन है 0 to 2 एफ ऑफ एक्स है जी, आपके पास एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो इसको इसकी लेंथ क्या होगी इंटरवल की 2L, तो मीन 2 - 0 2 आ जाएगा, इंटीग्रल आप यूज करेंगे तो एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, 0 to क्या आ जाएगा जी ये 2, तो 1/2 मीन के 8/3 - 0, तो आप ये देख सकते हैं जी कि 4/3 क्या है जी, 4/3 ये लाइन है जी आपके पास जो कि एवरेज होगी इस फंक्शन की इन इन द इंटरवल इंटरवल 0 to 0 to इंटरवल में, ये लाइन जो सी वाई इज इक्वल टू 4/3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या होगी, एवरेज होगी इस फंक्शन एक्स स्क्वेयर की इन द इंटरवल 0 to, ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इसकी डेफिनेशन को कि कन्वर्जेंस इसमें कैसे डिस्कस करेंगे।